तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक और नए टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में। तो भाई लोग यार मैं आज आपको ऐसे 6 टिप्स दूंगा है ना, जिससे कि आपका क्लोज रेंज इम्प्रूव हो सके। तो यार है ना सीधा काम की बात पर आते हैं। जो सब्सक्राइब लाइक शेयर है वो मैं लास्ट में बोल दूंगा है ना, तो पहले सीधा काम की बात पर आते। तो यार टिप नंबर 1, तो भाई लोग टिप नंबर 1 है चॉइस गन मैटर। हाँ यार मेरी इंग्लिश सस्ती है हर बार की तरह। तो यार गन चॉइस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे भाई मैंने वीडियो देख ली मैं तो सामने वाले बंदूक की पेटी बनाऊंगा। अगर भाई उसके पास ग्रोजा है और आपके पास UMK है, आप बोलोगे भाई मैं उस ग्रोजा वाले की तो पेटी बनाऊंगा। नहीं 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 भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ यार गन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, खासकर तब जब आप क्लोज रेंज में हो और आपके पास वो 7 पॉइंट वाली, हाँ यार वो पीली वाली गोलियाँ हो। अगर वो पीली वाली गोलियों वाली गन हो ना आपके पास, जैसे कि बैरल है, AKM है, MK14 है ना, और हाँ यार ग्रोजा है। ग्रोजा भाई हद खतरनाक गन है ना, इनमें से जो कि ड्रॉप में मिलते हैं ना कभी कभार मिलती है। तो यार इन सब गन में एक गन और आती है जो कि है, हाँ यार ड्रॉप में नहीं मिलती, पर हाँ MK14 और ग्रोजा को टक्कर दे जाती है। हाँ यार मैं हर बार देखता हूँ जब भी मैं आर्केड मैच खेलता हूँ है ना, तब मेरे को वो गन हमेशा टक्कर दे जाती। हाँ यार थोड़ा ज़्यादा जोर से मार दिया, उस गन का नाम है भाई यूजी। हाँ यार यूजी हद खतरनाक गन है ना, जब भी वो यूजी से सामने मेरा सामना होता है ना भाई, तब मेरी पेटी बनती। तो भाई लोग यार यूजी हद खतरनाक गन है क्लोज रेंज के लिए। पर हाँ एक चीज़ ध्यान में रखना भाई लोग, अगर गन रिलोड पे लग गई ना तो आप रिलोड ही करते बैठोगे, जिंदगी बीत जाएगी और सामने वाला बंदा आपकी पेटी बना जाएगा। तो यार बस ध्यान में रखना, अगर यूजी यूज करते हो तो यार इस गन को बस टारगेट पे सही से मारना। तो यार इसके लिए आप ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकते हो है ना, जैसे कि मैं करता हूँ कभी कभी, तो मेरा क्लोज रेंज इतना अच्छा नहीं। तो यार बढ़ते अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है भाई लोग जंप एंड शूट। तो यार मूव एंड शूट हर कोई कर लेता है ना, मूव एंड शूट हर बंदा कर लेता है अगर क्लोज रेंज में हो, मगर भाई जंप एंड शूट तब काम आता है जब बंदा टीपी पे ले बैठा है ना क्लोज रेंज में, कहीं दीवार के आर पार बैठा है और आपको उसे पेलना है। तो यार जंप एंड शूट बहुत सही ऑप्शन है ना, आपको सीधा जाना है और बंदे के सामने जंप करना है, ऐसा नहीं भाई उसके सामने थोड़ा 45 डिग्री आपको जंप करना है ना, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है ना सस्ती। तो यार जंप एंड शूट बहुत ही काम आता है क्लोज रेंज में। बस भाई लोग इसका एक डिसएडवांटेज है ना, अगर आप जंप एंड शूट करते हो तो भाई उसकी आपकी जो एमओ है वो बंदे के सर से ऊपर चली जाएगी। तो यार इसकी ट्रेनिंग में प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ यार इसका एक एडवांटेज है, अगर सामने वाला एनिमी थोड़ा महंगा वाला है ना, महंगा स्नाइपर मतलब महंगा स्प्रे देता है, तो उसकी गोली सीधा आपके पैरों पे कनेक्ट होगी। अगर वो आपके हेड पे कनेक्ट करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा ना, सीधा पैरों पे होगी। और भाई लोग पैरों पे सबसे कम डैमेज है पबजी में, हाँ यार पैरों में सबसे कम डैमेज पड़ता है मुकाबले हेड के। तो यार चीज़ ध्यान में रखना, बस आपके जंप करते समय आपकी गोलियां उस एनिमी पे कनेक्ट हो जानी चाहिए, हद खतरनाक है यार जंप एंड शूट। तो भाई लोग यार अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते, तो अगली पॉइंट है भाई ड्रॉप एंड शूट। अगर भाई लोग आपको ड्रॉप एंड शूट पता नहीं है तो आपको बता दूं भाई, है ना सबको तो पता होगा, पर हाँ किसी बंदों को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं आपको क्या करना है भाई। जैसे ही बंदा सामने आता है उसके सामने लेट जाना है। हाँ यार एक चीज़ ध्यान में रखना भाई लोग, अगर आप ऐसा करते हो तो उस बंदे की एक भी गोली आप पर कनेक्ट नहीं होगी है ना, सीधा सारी गोली उसके चेस्ट पे या फिर हेड पे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा बंदा, और आप लेट जाओगे तो उसकी एक भी गोली कनेक्ट नहीं होगी। और हाँ यार अगर आपके पास यूजी ग्रोजा MK ऐसी कोई गन है ना भाई, तो उसकी सीधे मौत आएगी। तो यार उसकी मौत तो बाद में आएगी, पहले एक चीज़ ध्यान में रखना भाई लोग, आपको ऐसी जगह लेटना है जहाँ पर आप थोड़ा बहुत मूव कर सको, नहीं तो भाई लोग अगर उस बंदे को थोड़ा भी चांस मिल गया ना तो सारी गोलियाँ उसकी हेड पे कनेक्ट होगी। हाँ यार अगर आप ड्रॉप शॉट लेते हो, आपका ड्रॉप शॉट फेल जाता है ना तो सीधा मौत है, क्योंकि भाई इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, सामने वाले बंदे की सीधा गोली आप पे हेड के कनेक्ट होने वाली है, दूसरी कहीं भी कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि उस बंदे को सिर्फ आपका हेड दिखेगा। तो यार जो भी चीज़ करोगे उसको थोड़ा है ना ट्रेनिंग ड्रिल में प्रैक्टिस कर लेना यार है ना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपके पास अगर ड्रिल नहीं है तो मैं ड्रिल की वीडियो पे जल्दी बना लूंगा। तो यार भाई लोग बढ़ते अगली टिप की तरफ। तो यार अगली टिप है आपको करना है भाई पोजीशन चेंज। हाँ यार अगर आप क्लोज रेंज में हो है ना, आपका बंदा सामने की बिल्डिंग में, आप इस बिल्डिंग में है ना अपार्टमेंट में बैठे पड़े हो और हाँ बंदा महंगा स्प्रे दे रहा है, तो यार आपको हर बार पोजीशन चेंज करनी है ना, एक बार लेफ्ट साइड से स्प्रे दो, एक बार राइट साइड से स्प्रे दो। तो यार ऐसा करने से भाई लोग बंदा कन्फ्यूज हो जाता है,
क्योंकि हाँ यार बंदा अगर आप एक ही जगह से पिक करोगे तो यार बंदे को पता है भाई वो बंदा वहां से पिक करेगा और वो एम वहीं पर करके रखेगा। तो यार ऐसा करना नहीं भाई लोग, है ना, हर बार पोजीशन चेंज करना है यार। एक बार मैं पूरी स्क्वाड लिटा देता है ना, पूरी चार तीन बंदे मैंने नॉक कर रखे थे, हाँ यार एक ही बंदा बचा था और मैंने पोजीशन चेंज नहीं की, बार बार उसी खिड़की से पिक करता रहा और भाई ने सीधा AWM चिटका दी 4x लगा के। तो हाँ यार ये चीज भी ध्यान में रखना भाई लोग, हर बार आपको पोजीशन चेंज करने है ना, ताकि यार बंदा कते कंफ्यूज हो जाए, है ना यार वो 1v4 कर जाता मैं काफी दिनों बाद, है ना। तो यार है क्या, तो अगली टिप की तरफ बढ़ते, तो अगली टिप है भाई क्राउच एंड फायर। तो यार काफी बंदे मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछते हैं ना, कोई पूछता नहीं पर बता देता हूँ भाई। तो यार क्राउच एंड शूट करना मतलब एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? तो यार मैं बोलूंगा ये एडवांटेज से अच्छा ज्यादा है यार ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि भाई लोग यार क्राउच एंड शूट में अगर सामने वाला बंदा आपके चेस्ट पे गोली मारता है और आप क्राउच कर दो तो सीधा गोली आपकी हेड पे कनेक्ट होगी। तो यार जो भी चीज़ कर रहे हो थोड़ा ध्यान से करो, है ना। अगर आपको क्राउच एंड शूट करना है तो उसके लिए भी टेक्निक्स रहती है, आपको पहले थोड़ा 2-3 सेकेंड उसके एनिमी को थोड़ी गोलियां पेलनी है ना, फिर बाद में क्राउच एंड शूट करना है भाई लोग। यार क्राउच एंड शूट ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि हाँ यार क्राउच एंड शूट में ज्यादातर बंदे चेस्ट पे डैमेज देते हैं ना, ज्यादा बंदे हेड पे डैमेज नहीं देते, जो भी बंदे देते चेस्ट पे डैमेज देते। तो यार आपको करना क्या है, ज्यादा करना नहीं भाई, क्राउच एंड शूट नहीं करना है, इससे अच्छा आप जंप शॉट कर सकते हो, है ना, जंप एंड फायर कर सकते हो, या फिर हाँ ड्रॉप शॉट कर सकते हो। तो यार जो भी करोगे थोड़ा संभल के करो, है ना भाई लोग। तो यार तो जो भी चीज़ करोगे भाई लोग वो बस पहले आपको ट्रेनिंग सेक्शन में करनी है ना भाई लोग, जो भी चीज़ आप ट्राई करोगे पहले ट्रेनिंग सेक्शन में करनी है आपको पूरी सी, फिर यार इसे अप्लाई करना है। तो भाई लोग यार टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखता हर कोई, है ना, सुनता हर कोई पर अप्लाई नहीं करता, तो यार ऐसा आप करते हो तो इसमें आपका घाटा है ना, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि हाँ यार आपने व्यूज तो दे दिया मेरे को पर यार टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई नहीं की। तो यार काफ़ी बकवास कर ली मैंने, अगली टिप की तरफ बढ़ते। तो यार भाई लोग अगली टिप है कनेक्ट मोस्ट हेडशॉट। जैसा कि मैंने बताया भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा बंदे है ना सबसे ज़्यादा डैमेज चेस्ट पर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज अगर बंदे को देना है ना भाई, दो गोली में अगर एक एम के डाउन करना है ना बंदे को, बस दो गोली एक एम की हेड पे पेलो, बंदा सीधा डाउन हो जाएगा। अगर झूठ लगता है भाई तो यार ट्रेनिंग ग्राउंड में कर लो, है ना, ट्राई कर लो जहाँ पर नए नए ऑप्शन आ चुके हैं, या फिर TDM में ट्राई कर लो। तो यार भाई लोग हेड शॉट ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो, है ना, ज़्यादातर बंदे चेस्ट पे डैमेज देते हैं, हाँ यार चेस्ट पे डैमेज दोगे तो इससे अच्छा हेड पे दे दो, दो गोली में बंदे की सीधा मौत आएगी। तो यार भाई लोग सीधा पेटी वाना नहीं है तो चेस्ट पे डैमेज दो। तो यार काफ़ी बंदे पूछेंगे भाई हेड पे डैमेज होता नहीं हमारा, है ना, हेड पे देने जाते हैं तो हमारी मौत हो जाती। तो यार भाई लोग अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडशॉट कनेक्ट कर पाओ तो यार डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, या फिर यार स्क्रीन पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ रहा होगा उसे क्लिक करके आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडशॉट कैसे कनेक्ट करने वो वीडियो देख सकते हो, मैंने पहले अपलोड कर रखी है ना। तो यार इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडशॉट कनेक्ट कर पाओगे। अगर भाई लोग आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती है ना तो यार चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी पेल देना। अगर भाई लोग ज़्यादा ही पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके आपको दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि यार अपना चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो। हाँ यार 8 महीने हो चुके भाई, कत्ते ही पैसे खर्च हो रहे भाई, पैसे आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यार काफ़ी रुला लिया यार YouTube ने। तो यार भाई लोग काफ़ी बकवास कर ली मैंने, है ना। अगर आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, थोड़ा पैसा मांग रहा हूँ, तो यार अगर करना है भाई लोग तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर पेटीएम, पेपल, गूगल पे, फोनपे, कद्दू पे, जो भी मैं कर सकते हैं जिससे कि हाँ यार थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, रिचार्ज खत्म हो गया है मेरा। तो यार काफ़ी बकवास कर ली भाई लोग मैंने। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कस्टम खेलना है तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप पे हाई कर दीजिए, मैं कस्टम ग्रुप पे ज्वाइन कर लूँगा। तो मैं मिलता हूँ भाई लोग आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अब तक वीडियो देख ली ना भाई लोग तो यार कमेंट में सैनिटाइजर लिख देना, हाँ यार बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय भाई लोग।